आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान एक बोलेरो गाड़ी आचार संहिता का उल्लंघन करती दिखाई। पुलिस ने बोलेरो को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान बोलेरो से मिले 8 लाख रुपए। पुलिस ने एक अभियुक्त के ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू की। वहीं बोलेरो सवार का नाम दुर्गेश तिवारी निवासी इंदिरा नगर जनपद बांदा बताया जा रहा है। बोलेरो में 8 लाख बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच FST टीम द्वारा की जा रही है। मामला देहात कोतवाली जनपद बांदा का है। नवभारत समाचार बांदा से नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सर, अभी चेकिंग के दौरान अभी एक बोलेरो में कुछ कैश का सूचना प्राप्त हुई थी, ऐसा कुछ क्या, कितना कैश था? अगर हाँ, ये आज संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग कैश शराब असलाह के संदर्भ में की जा रही थी। इसी दौरान थाना कोतवाली देहात गेट के सामने एक बोलेरो से दुर्गेश तिवारी निवासी इंदिरा नगर नामक व्यक्ति के पास से 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जिसको FST टीम को बुला करके जांच कराई जा रही है। सर, इस गाड़ी में भाजपा का झंडा भी दिखाई दे रहा है, इस पर क्या किस तरह की कार्रवाई संकेत करेंगे? नहीं, अगर झंडा लगा होगा तो आचार संहिता का उल्लंघन है, एक तरीके से उल्लंघन का भी अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।